आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और गांव की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो व्हाट्सएप चैट पर लोगों के लिए खुशखबरी, देखिए जल्द रोल आउट होगा व्हाट्सएप का सीक्रेट कोड फीचर। इसे प्राइवेट चैट को नंबर और इमोजी से बने कोड से कर सकेंगे लॉक। व्हाट्सएप जल्दी सीक्रेट कोड फीचर को लेकर आने वाला। ये फीचर जो है यूजर्स की प्राइवेट चैट को जो है एक एक्स्ट्रा लेयर प्राइवेसी को प्रोवाइड यहाँ पर करेगा। दरअसल इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने प्राइवेट चैट को जो है सिक्योरिटी कोड लगाकर जो है वो लॉक कर पाएंगे। भाई व्हाट्सएप ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। वही इस पोस्ट में सीक्रेट कोड फीचर का यूज करने के प्रोसेस को भी यहाँ पर इसमें बताया गया है। वही व्हाट्सएप ने पिछले साल पर्सनल चैट लॉक को लेकर एक फीचर लॉन्च किया था। इस फीचर के जरिए जो है चैट को लॉक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है स्मार्टफोन का पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक ही यूज यहाँ पर करना पड़ता था। जबकि सीक्रेट कोड प्राइवेट चैट को लॉक करने के लिए फोन के पासवर्ड के अतिरिक्त नया सीक्रेट कोड का ऑप्शन यहाँ पर देता है। सीक्रेट कोड को अल्फाबेट, नंबर या स्पेशल करेक्टर और इमोजी का यूज करके जनरेट जो है वो किया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है यूपीआई पेमेंट, नवंबर में नया सेकर्स हुआ, फास्टैग भी बढ़ा। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने नवंबर में नया रिकॉर्ड बना दिया। इस दौरान फास्टैग ट्रांजेक्शन भी यहां पर बढ़े हैं। वह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश में यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है 17.4 ट्रिलियन जो है इसमें रुपयों का लेन देन यहाँ पर हुआ। ये अक्टूबर में हुए 17.16 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन से 1.4 फीसदी ज्यादा है। हालांकि इस दौरान कुल ट्रांजेक्शन की संख्या जो है 1.5% की गिरावट उसमें आई है। ये अक्टूबर के 11.41 से घटकर अब 11.24 अरब यहाँ पर रह गए है। इसे समझ आ रहा है कि प्रति ट्रांजेक्शन ज्यादा पैसों का लेन देन जो है हुआ है। वही उम्मीद जताई जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या 100 करोड़ प्रतिदिन आंकड़े को पार कर जाएगी। 5 साल में दुकानों पर 90% ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई से होने का अनुमान जताया जा रहा है। वही एनपीसीआई के मुताबिक पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस साल यूपीआई ट्रांजेक्शन में जो है 54% बढ़ोतरी हुई है। इनमें पैसों के लेन देन में भी 46% की जो बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। अगली खबर की। तो अगली खबर है चीन में फैली बीमारी को लेकर। अमेरिका में रायची में बीमारी से सफेद पड़े हैं फेफड़े, चपेट में आए हैं 3 से 8 साल के बच्चे। अमेरिका के सांसदों की मांग, चीन से आना जाना हो बैन। चीन में फैली फेफड़ों की से जुड़ी बीमारी जो है अब अमेरिका में फैलने लगी है। इसकी ज्यादा पीड़ित जो है इसके यहाँ पर 3 से 8 साल के बच्चे बताए जा रहे हैं। वह बीमारी से उनके फेफड़े जो है सफेद पड़ रहे हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स और ओहोया में इसके मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ इस बैक्टीरियल नमोनिया जो है इसको यहाँ पर व्हाइट लंग स्टोम यहाँ पर कहा जा रहा है। वही इस बीमारी के 142 मामले वहाँ पर सामने आ चुके हैं। वही डॉक्टरों का यहाँ पर कहना है कि व्हाइट लंग स्टोम चीन की रायची में बीमारी की तरह एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का मिक्सर है। वही बीमारी फैलने के खतरे को देखते हुए अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से चीन से जो ट्रेवल बैन करने की मांग की है। वही 5 सांसदों का कहना है कि बीमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए WHO का इंतजार नहीं करना चाहिए। लोगों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से आना जाना जो है अमेरिका को तुरंत जो है बंद करना चाहिए। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकार की चेतावनी, फोन से तुरंत डिलीट करें ये ऐप वरना बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली। सरकार ने ऑनलाइन लेन देन वाले ऐप से सावधान रहने का निर्देश दिया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट साइबर दोस्त हैंडल ने एक पोस्ट यहाँ पर किया है जिसमें हनीफॉल लोन ऐप को डिलीट करने का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि हनीफॉल लोन ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसे अब तक जो है करीब 10,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे में अगर आपने अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है तो उसे तुरंत जो है आपको जो है डिलीट करना चाहिए। तो यहाँ पर साइबर दोस्त ने एक यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी है। साइबर दोस्त जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जो समय समय पर साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं का यहाँ पर अलर्ट जारी करता है। ये पोर्टल केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। वह साइबर दोस्त के पोस्ट के मुताबिक हनीफॉल ऐप को यहाँ पर मेलेशियल कोड के साथ डिजाइन यहाँ पर किया गया है। ऐसे में जब कोई यूजर्स फोन में हनीफॉल ऐप को डाउनलोड करता है तो मेलेशियल कोड की मदद से हैकर्स जो है आपके फोन को कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद जो है आपके फोन का डेटा की मदद से आपके बैंक फ्रॉड की घटनाओं का अंजाम जो है वो दिया जा सकता है। तो यहाँ पर साइबर दोस्त की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। बता दें आपको कि सरकार की तरफ से पहले भी यहाँ पर जो ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने वाले ऐप जो है उनसे बचने की सलाह दी गई है। इससे साइबर दोस्त की तरफ से यहाँ पर विंडमिल मनी और रैपिड रूपी प्रो को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है।